कल सीबीडीटी ने एक सर्कुलर इशू किया 01/22 डेटेड 11 जैन 22। उसमें सीबीडीटी ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और कुछ आईटीआर फाइल करने की डेट को एक्सटेंड कर दिया गया, लेकिन अभी भी लोगों को कन्फ्यूजन है कि जो नॉर्मल पर्सन के लिए ड्यू डेट थी, मीन्स जिसको ऑडिट अप्लीकेबल नहीं था, नॉन ऑडिट केसेस जिसका एक्सटेंडेड ड्यू डेट 31 दिसंबर था, क्या वो भी एक्सटेंड हुआ इस सर्कुलर में? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टैक्स ट्यूबर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, सब चीज़ें डिटेल में देखेंगे। इनकम टैक्स ड्यू डेट एक्सटेंडेड। अब तक सीबीडीटी ने 3 एक्सटेंशन दिया गया है। जो लेटेस्ट एक्सटेंशन दिया गया वो 11 जैन 22 को दिया गया वाया सर्कुलर नंबर 122। फर्स्ट एक्सटेंशन जो दिया गया सीबीडीटी के द्वारा वो दिया गया 20 मई 2021 को वाया सर्कुलर नंबर 921। सेकेंड एक्सटेंशन दिया गया 9 सितंबर 2021 को वाया सर्कुलर नंबर 1721। थर्ड एक्सटेंशन जो कि कल दिया गया 11 जैन 22 वाया सर्कुलर नंबर 1/22, इसके बारे में बात करेंगे, सर्कुलर नंबर 1/22। तो अगर आपका आईटीआर नॉन ऑडिट केस था नॉर्मल पर्सन के लिए, तो उसकी ओरिजिनल जो ड्यू डेट होती है वो 31 जुलाई होती है 21। एक्सटेंशन फर्स्ट दिया गया 921, सर्कुलर नंबर 921 के द्वारा उसकी डेट एक्सटेंड कर दी गई 30 सितंबर 921। सेकेंड एक्सटेंशन दिया गया 1721 सर्कुलर के द्वारा 31 दिसंबर 21, जो कि था एक्चुअल केस। लेकिन जो इनका थर्ड सर्कुलर इश्यू हुआ 1/22 को, इसमें इन्होंने कोई एक्सटेंशन दिया नहीं। आईटीआर फॉर नॉन ऑडिट केसेस, जिसमें ऑडिट केस था उसमें क्या था, ओरिजिनल जो ड्यू डेट है वो 30 सितंबर 2021 है, एक्सटेंशन जो फर्स्ट दिया गया वो 31 अक्टूबर 2021 किया गया, देन 15 जैन 2022 किया गया, देन जो एक्सटेंशन दिया गया कल फर्स्ट सर्कुलर नंबर 122 में 15 फेब 2022 कर दिया गया इनका फर्निशिंग ऑफ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करने के लिए, जो कि 15 जैन 22 था उसको 15 फेब 22 कर दिया गया सर्कुलर नंबर 1/22 के द्वारा। फर्निशिंग ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट रिपोर्ट, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट रिपोर्ट के लिए ओरिजिनल जो ड्यू डेट होती है वो 31 अक्टूबर 2021 होती है, उसको एक्सटेंड किया गया सर्कुलर नंबर 921 के द्वारा 30 नवंबर 21 किया गया, देन 1721 सर्कुलर के द्वारा इसको सेकेंड टाइम एक्सटेंड किया गया। जो डेट एक्सटेंडेड डेट थी वो 31 जनवरी 22 थी, उसको एक्सटेंड करके कर दिया गया 15 फेब 22 वाया सर्कुलर नंबर 1/22 डेटेड 11 जैन 22। फॉर फाइलिंग ऑफ आईटीआर्स ऑफ कंपनी अदर देन कंपनी वेयर ऑडिट इज अप्लीकेबल, पार्टनर ऑफ अ फर्म हुज अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड, उनका ओरिजिनल जो ड्यू डेट था 31 अक्टूबर 21 था, इसको फर्स्ट सर्कुलर के द्वारा एक्सटेंड किया गया 30 नवंबर 21 सर्कुलर नंबर 921। सेकेंड सर्कुलर जो इशू किया 1721 सर्कुलर नंबर 1721, एक्सटेंडेड ड्यू डेट कर दी गई 15 फेब 22। लेकिन जो सर्कुलर इशू हुआ कल 11 जैन 22 को, उसमें इसकी डेट बढ़ा के 15 मार्च 22 कर दी गई, 15 मार्च 22। और फाइलिंग ऑफ आई टी आर इन केस वेयर ट्रांसफर प्राइसिंग इज अप्लीकेबल, जहाँ यहाँ पे आई टी आर फाइलिंग की बात हो रही है, वहाँ पे बात हो रही थी फर्निशिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट फर्निश करने के लिए उसकी बात हो रही। तो आई टी आर फाइलिंग करने के लिए फॉर ट्रांसफर प्राइसिंग के केस में ओरिजिनल ड्यू डेट 30 नवंबर 21 था, फर्स्ट जो एक्सटेंशन दिया गया उसको 31 दिसंबर 21 किया गया, देन 28 फेब 22 किया गया, देन अभी जो सर्कुलर इशू किया जो सर्कुलर नंबर 122 डेटेड 11 जैन 22 को इश्यू किया, उसकी एक्सटेंडेड ड्यू डेट हो गई 15 मार्च 22। तो इसमें देखिए सीधा क्लैरिफाई हो रहा है कि नॉर्मल पर्सन के लिए कोई भी एक्सटेंशन दिया नहीं गया है। और इसमें एक बात का और आपको ध्यान रखना है कि आईटीआर फाइलिंग भले से एक्सटेंड हो गई, लेकिन इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A अप्लीकेबल होगा, जहां पे टैक्स पेबल इज मोर देन ₹1 लाख। अगर 1 लाख 1 लाख से ज्यादा टैक्स पेबल आ रहा है तो 234A अप्लीकेबल हो जाएगा। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।